अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेलगाम वैसे भी अदबी शहर के तौर पर याद किया जाता है। मुसन्निफ, कलमकार, शायर यहाँ पैदा हुए, अलग अलग शोबों में अपने नकूश कायम कर कुछ चले गए तो आज भी कुछ लोग जिंदा हैं। उमूमन ये अफसोसनाक अलमिया देखने को मिलता है, जो लोग अपने नक्श पीछे छोड़ गए उन्हें आज के मसरूफ तरीन दौर में याद नहीं किया जाता। खासकर कोरोना के दौर में या उससे पहले या फिर बाद में काफ़ी मारूफ शख्सियतें हमारे दरमियान से चली गई। अगर खास कर जिक्र किया जाए तो आरजू बागेवड़ी, एन समद खानापुरी, फारूक खन्नान साहब, वाहिद शाहपुरी, इम्तियाज अथरी, प्रोफेसर शौकत मनियार साहब, अब्दुल खादर मनियार साहब, जितने भी नाम लिए गए उन्हें मैं खुद भी जानता था और इनके दरमियान बैठने का शर्फ भी मुझे मयसर हुआ। लिहाजा इन्हें खास इजलास छोड़कर कभी याद करते हुए नहीं देखा गया। लिहाजा आज एक और बेलगाम की ही मारूफ शख्सियत कामयाबी की ऊंचाइयों पर फाइज है, जिन्हें अजीजुद्दीन बेलगामी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल बेंगलोर में मुकीम है। शहर बेलगाम की शख्सियत ने आलमी सतह पर अपने शोहरत मकबूलियत का लोहा मनवा लिया है। आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। इंशाल्लाह हर हफ्ते मारूफ शख्सियतों के बारे में इत्तेहाद न्यूज के जरिए मालूमात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इल्मी, सियासी रहनुमा, दीनी रहनुमा और कामयाब ताजरों की जिंदगी के उन पहलुओं को भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आज अजीज बेलगामी के बारे में बात करते हैं। इनकी पहचान भी कुछ इस तरह है। शहर बेलगाम के मारूफ शायर, नशोनिगार, अदीब, कलमकार, कॉलम निगार, फ्रीलांस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सहाफी, तर्जुमा निगार, इंटरव्यूअर, मुसन्निफ, मुशायराकार, उर्दू बुक्स पब्लिशर, साबिक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल जुबेदा प्रे यूनिवर्सिटी कॉलेज शिकारीपुर, कुरानी अरबी टीचर, मोहतरम अल मुकाम अजीज बेलगामी साहब, जो गुज़िश्ता 35 सालों से बेंगलोर में मुकीम है और निस्ब सदी से उर्दू के खदमात में मसरूफ है। आजकल आलमी सतह के मुशायरों की मजलिस सदारत में तवातर के साथ शामिल किए जाने लगे और इनके जरिए से सारे आलम के अदबी हलकों में बेलगाम शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी आपके अदबी सरगर्मियों का गलबा है। कल ही कर्नाटक टीचर संजुमन कर्नाटक स्टेट लिसानी अकलियती स्कूल असातिजा की फलाही तंजीम बेंगलोर में अजीज बेलगामी को अपने रियासतगीर असातिजा के लिए एक वर्कशॉप ऑनलाइन इनकाद किया गया, जिसमें कर्नाटक के मुख्तलिफ जिलों के असातिजाओं ने उर्दू शायरी किस तरह पढ़ाई जाए ये उन्वान से रिसोर्स पर्सन अजीज बेलगामी साहब से इस्तफाजा किया। रियासत केरला में भी अजीज बेलगामी की शोहरत उरूज पर है। केरला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की कुल रियासती तिलाई कॉन्फ्रेंस में जनाब अजीज बेलगामी को बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मधु किया गया था और इनको इज्जत बख्शी। उर्दू के लिए इनके खिदमात का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। गुज़िश्ता माह 26 दिसंबर को बज़्म असहाबे करम बदायूं इंडिया, जिसके बानी दिल्ली के डॉक्टर कमाल अख्तर साहब हैं, और ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली, जिसके बानी इटली के मोहम्मद नवाज गलियाना इटली है, इन दो तंजीमों ने अजीज बेलगामी के एजाज में तकरीब एतराफ कमाल फन के तहत जश्न अजीज बेलगामी मनाने का फैसला किया और ये जश्न 26 दिसंबर 2023 को मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, शिकागो, इटली के शोरा के अलावा दिल्ली, अमरोहा, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, बदायूं, बरेली, इलाहाबाद, सहसराम के शोरा ने अजीज बेलगामी की शख्सियत और अदबी खिदमात पर अपने मंजूम और नसरी तखलीकात पेश किए। न्यूयॉर्क के मारूफ बुजुर्ग शायर तनवीर फूल और कोलकाता के रईस आजम हैदरी ने अजीज बेलगामी पर अपनी तहनियती मंजूमात पेश की। ओंटारियो कनाडा के सालिहा अच्छा और फैसलाबाद पाकिस्तान के डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर कादरी अजीज बेलगामी के कमाल फन पर तवील मकाला पेश किए। न्यूयॉर्क के मोहसिन राजी अलवी और हैदराबाद के शायर बी एम माले अचलपुरी ने अजीज बेलगामी की शान में इताद पेश किए। साइसराम बिहार के शायर अख्तर इमाम अंजुम ने अजीज बेलगामी पर तोशी नज्म पेश किए। डॉक्टर मुख्तार हयात कराची, खुमार देहलवी, डॉक्टर शगुप्ता गजल बरेलवी, हिदायत बदायूं ने देहली, सैयद जिया काजम नकवी लखनऊ ने भी अजीज बेलगामी के हक में कलमा का खैर कहे और मुबारकबाद दी। कराची पाकिस्तान के आर सागर साहब ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। ये प्रोग्राम 4 घंटों तक चलता रहा। इन आलमी मुशायरों की सरपरस्ती करने वाली जैबुन्निसा जैबी कराची भी जश्न में शरीक रही। ये थी जश्न अजीज बेलगामी पर मुख्तसर रिपोर्ट। आइए जानते हैं अजीज बेलगामी की जिंदगी पर। अजीज बेलगामी 1 मई 1954 को जिला बेलगाम के कुर्ची गांव में पैदा हुए। 8वीं जमात तक तालीम कुर्ची में हुई, फिर 9वीं और 10वीं जमात के लिए उन्होंने बाशुबान हाई स्कूल बेलगाम में दाखिला लिया। आरएलएस लिंगराज कॉलेज और कैटल कॉलेज धारवाड़ से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से एमए और बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल की। जुलाई 2023 में फातिमा दरोगा अजीजुद्दीन अजीज बेलगामी हयात व खिदमात मौजू पर सलीमा बी कल्लूर की रहनुमाई में कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से पीएचडी की डिग्री हासिल की।
पीएचडी और आलम जश्न अजीज बेलगामी है। तो बहुत बड़े एजाजात हैं जो अजीज बेलगामी के हयात में ही इन्हें नसीब हुई। गुज़िश्ता साल डील्स टेक्सास में भी उनका जश्न मनाया गया। उनकी तसनीफ में हर्फ़े वसूद सुकून के लम्हों की ताजगी दिल के दामन पर जंजीर दस्ते वफा 412 सफात पर मुश्तमिल नक़्त इमकात 472 सफात पर हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब की सवाने हयात और 800 सफात पर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिल्दें जिक्र मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शामिल है। इदारा इत्तेहाद न्यूज इत्तेहाद मीडिया अजीज बेलगामी की इस आलमी पसराई पर बेलगाम के तमाम ही उर्दू नवाजों की जानिब से दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह करे अजीज बेलगामी का इकबाल इसी तरह बुलंद रहे, बेलगाम का नाम सरे आलम में रोशन हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। इत्तेहाद न्यूज की आज की पेशकश कैसी लगी इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।